la scompari. Tu e la tua candy scolari, frassi mi batti domani. Baby non dire che mi ami, se rossi tua sentimentali. Sono di Torino ma tengo più amici calabresi e siciliani. Non rispetto nessuno della scena, è già tanto che rispetto me stesso. Il tuo nuovo... हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशु चौधरी और स्वागत है आपका एक और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रैग रेस में, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर वर्सेस टाटा हैरियर। भाई इन दोनों गाड़ियों की दो ड्रैग रेस पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस क्या है भाई? कभी तो एक बार तो जो टोयोटा फॉर्च्यूनर थी भाई वो अपनी ऑटोमेटिक थी, और जो दोबारा की उसमें भाई नहीं सॉरी फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने की, दोनों गाड़ियां मैनुअल थी। टाटा हैरियर भी मैनुअल थी और फॉर्च्यूनर भी मैनुअल थी। उसके बाद फिर सेकंड ड्रैग रेस की, वहां पे क्या था कि जो अपनी फॉर्च्यूनर है वो ऑटोमेटिक थी और हैरियर अपनी मैनुअल थी। लेकिन भाई इस बार क्या डिफरेंस है, इस बार अपनी जो टाटा हैरियर है भाई ये ऑटोमेटिक है, और जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है ये वही अपनी मैनुअल है जो आप भाई सभी ड्रैग रेसेस में देखते हो। तो आज इन दोनों की ड्रैग रेस करने वाले हैं भाई। बहुत लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ऑटोमेटिक हैरियर के साथ करो, क्योंकि भाई मैंने भी इतना सुना है कि जो हैरियर है ना वो ऑटोमेटिक में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस देती है, और इसका ऑटोमेटिक जो है बहुत ही अच्छा है। जो मैनुअल की बात करें, मैनुअल में कहीं ना कहीं ये लैग कर जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक के मामले में ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो और अगर पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो भाई अपनी हैरियर है 168 bhp की पावर देती है और 350 nm का टॉर्क देती है। वहीं पे अगर फॉर्च्यूनर की बात करें भाई तो जो अपनी फॉर्च्यूनर है भाई 174 bhp की पावर देती है और 420 nm का टॉर्क देती है। ये भाई अपनी जो फॉर्च्यूनर है मैनुअल वाली है 420 देती है, अगर ऑटोमेटिक होती तो ये 450 nm का टॉर्क देती। लेकिन इनकी ड्रैग रेस करके देखते हैं भाई हैरियर वर्सेस टोयोटा फॉर्च्यूनर क्या रिजल्ट आता है, या क्या जो भी रिजल्ट होगा आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये जो आप हैरियर देख रहे हैं अपने सामने खड़ी हुई है, ये भाई यहाँ की हैरियर नहीं है, ये भाई बहादुरगढ़ से अपने पास, हरियाणा से अपने पास हैरियर आई है, जिसको लेके आए हैं भाई परम भाई हैं और हिमांशु भाई हैं। भाई का भी यूट्यूब पे चैनल है, मैं जो भाई के चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को देखें भाई, वीडियो देखें भाई की, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो भैया क्या लग रहा है आपको हैरियर वर्सेस फॉर्च्यूनर में आज क्या होने वाला है? देखो फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर हैरियर भी है, मेरे को देरी है पूरी। बिल्कुल मेरे को आज लग रहा है कि भाई हैरियर जीतेगी। और एक बार हिमांशु भाई से पूछ लेते हैं क्या लग रहा है भैया? भाई ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस तो आएगा। हाँ डिफरेंस ऑटोमेटिक में अपनी हैरियर खींच सकती है ना। हाँ वही है, वो मेरे को भी भाई आज थोड़ा सा पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई हैरियर निकल जाएगी, क्योंकि ये ना 5 seater भी है 7 seater भी, थोड़ा सा वेट का डिफरेंस भी आएगा, और ये ऑटोमेटिक में भाई मैनुअल से बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है, वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। इसका स्पोर्ट्स मोड ठीक है, राउंड वन स्पोर्ट्स मोड एसी ऑफ कर दो। एसी ऑफ कर दिया, अट्रैक्शन मोड भी ऑफ कर दो। ठीक है, अट्रैक्शन भी ऑफ हो गया। पावर मोड में है ना गाड़ी आपकी? हाँ, मैं भी पावर मोड में लगा लेता हूँ। तो भाई आज करने वाले हैं हैरियर ऑटोमेटिक डार्क एडिशन वर्सेस टोयोटा फॉर्च्यूनर मैनुअल। ट्रैक्शन दोनों गाड़ियों का ऑफ है, पावर मोड में है दोनों गाड़ियां, एसी दोनों गाड़ियों का ऑफ है। मतलब फर्स्ट राउंड में ही ना आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। मतलब कितनी परफॉर्मेंस ये गाड़ियां दे सकती हैं, पीक पावर पे दौड़ाएंगे इनको। टोयोटा फॉर्च्यूनर वर्सेस टाटा हैरियर। भाई मेरे को थोड़ा सा रिस्क अपने शीशे का भी है, ये शीशा इसका टूटा हुआ है, लेकिन कोई नहीं भाई, इतनी दूर से आए भाई, बहादुरगढ़ से आए, दिल्ली हरियाणा से। तो देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है भाई, 3 2 1 गो। ओ भाई पावर मोड में टोयोटा फॉर्च्यूनर मैनुअल, ऑटोमेटिक होती तो कुछ और होता, लेकिन भाई हैरियर भी भाई भाग रही है, मतलब जितना गैप है ना उतना ही है, लेकिन मेरी गाड़ी 130 चली गई है। भाई ने 120-130 तक ही बोला था। फर्स्ट राउंड किया, टोयोटा फॉर्च्यूनर विनर होगी भाई। अब एसी ऑन कर लेते हैं भाई। मैनुअल में ना फॉर्च्यूनर का कोई तोड़ नहीं है जी भाई। भाई वो ऑटोमेटिक और मैनुअल का डिफरेंस हो गया, लेकिन ये मैनुअल भी नहीं भागती है ना, लेकिन गैप था नहीं इतना ज्यादा। बाद में फिर वही कंटिन्यू चलता रहा, बट आपका जो व्हील स्पिन था ना बहुत तगड़ा था। टोयोटा का व्हील स्पिन तो है ही जबरदस्त। चलो एक राउंड और कर लेते हैं। ठीक है, एक बार सेकंड राउंड करते हैं। देखो कितनी तकड़ी लग रही है भाई। नो डाउट भाई हैरियर डार्क एडिशन की लुक का तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है ना। अब भाई ये बता दीजिए एसी वगैरह ट्रैक्शन वगैरह अभी अभी सब भाई ऑफ रहने दो, पावर मोड में ही दोबारा रीटेक। ठीक है ऑफ कर लेते हैं, पावर मोड में लगा लेते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर लेते हैं। चलो करें भैया, तो सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं भाई। फॉर्च्यूनर 3 2 1 गो।
आ रही है क्या भाई? गारंटी से कह रहा हूँ कि 120 अबव होगी भाई अपनी गाड़ी। ये देखो अब छोड़ देते हैं, वही उतना ही डिस्टेंस है जो सेम पहले फर्स्ट राउंड में था, लेकिन डिफरेंस जो आ रहा है ना भाई वो ही आ रहा है ऑटोमेटिक मैनुअल का, लेकिन वो मैनुअल भी नहीं भागती, ये भी मैं बता रहा हूँ भाई। हैरियर ना भाई टक्कर पूरी है, इस बार बहुत जबरदस्त भागी है। ये मैनुअल का डिफरेंस आ रहा है, अगर ये ऑटोमेटिक होती ना 100% हार जाती इससे। हैरियर इसका भी ट्रैक्शन और ऊपर से स्पोर्ट्स मोड भी ऑन है। अब सिटी में करके देखते हैं, ठीक है? तो पावर मोड ऑन है। हाँ पावर मोड में है भाई ये भी, तो मैं इको में लगा लूंगा, आप सिटी में लगा लेना। ठीक है और अभी भाई उस गाड़ी में एक ही बंदा रहेगा हैरियर में, और फॉर्च्यूनर में दो बंदे रहेंगे, ये भी डिफरेंस है। एसी में ऑन कर लेता हूँ, लेकिन अब मैंने ऑफ कर दिया। सिटी मोड कर दो, ठीक है? इको मोड आता है, मैंने इको में लगा लिया। और इसका इको तो 60 से ऊपर जाता ही नहीं। अच्छा तो आप इसका, मैं इसका सिटी कर रहा हूँ, आप नॉर्मल इको कर दो। हाँ इको ट्रैक्शन ऑफ कर दो, ट्रैक्शन ऑफ है तो फिर मैं भी नॉर्मल में ही लगा लूँ ना। हाँ नॉर्मल में लगा, नॉर्मल पे लगा दो। ठीक है मैंने भी नॉर्मल में लगा दिया, ट्रैक्शन ऑफ हो गया। सिटी मोड है, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, आपका नॉर्मल है। हाँ ठीक है, ठीक है तो करें। हाँ करो, काउंटिंग करना। 3, 2, 1, go। नॉर्मल मोड में भाई हैरियर कोशिश कर रही है आने की, लेकिन भाई वही है भाई, डिस्टेंस कम हो गया था दोनों गाड़ियों के बीच में। एसी ऑन कर लेता हूँ, लेकिन भाई विनर अपनी फॉर्च्यूनर निकल के आती है, जो भाई हैरियर को पीछे कर देती है। स्पोर्ट्स मोड हैरियर का, ठीक है? अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है इसका तो। हाँ आप नॉर्मल रखना, नॉर्मल ही है मेरी, ट्रैक्शन ऑफ है मेरा, ठीक है? एसी ऑफ है ना आपका? नहीं, हाँ एसी ऑफ है, ठीक है। 3, 2, 1, go। आ गया क्योंकि मैंने गाड़ी लिट बिट सेकंड पहले लॉन्च कर दी थी, तो फिर मेरे को लगा कि भाई भैया शायद गाड़ी रोक लेंगे। बराबर भागी दोनों गाड़ी। हैरियर को अगर आप विनर बोलना चाहें तो विनर बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक बार भाई से बोल देता हूं कि भाई मेरा ना थोड़ा सा लॉन्च का डिफरेंस हो गया, बट लेकिन स्पोर्ट्स में खींच गई है। हाँ स्पोर्ट्स में खींच गई। एक्चुअली मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा सा पहले लॉन्च कर दी थी गाड़ी, तो मेरे को लगा आप शायद रोक लोगे, बट स्टिल मैंने कर दी थी मेंटेन, बट स्टिल ले गई है। तो भाई इसमें ना मेरा थोड़ा सा लॉन्चिंग का डिफरेंस रह गया, तो विनर सिर्फ इतना सा लिटिल बिट, और जबकि ये नॉर्मल मोड में थी, वो स्पोर्ट्स मोड में थी, तब जाके विनर हैरियर आई है। लेकिन भाई मेरे को लग रहा था कि अगर मेरी गाड़ी भाई 7 लॉन्च होती ना, तभी भी भाई फॉर्च्यूनर भी निकल के आ जाती, क्योंकि भाई एक्चुअली हम क्या है कि हम लोग ना 120 तक कर रहे हैं इसको, और 120 तक विनर जो निकल के आ रही है वो भाई फॉर्च्यूनर निकल के आ रही है। अगर कहीं पे लॉन्ग ट्रैक पे करेंगे या कोई ज़्यादा लंबी ड्रैक करेंगे, तब भाई मेरे हो सकता है भाई हैरियर जीत जाए या हैरियर कॉम्पिटिशन दे दे, अदरवाइज अब जो विनर निकल के आ रही है वो भाई फॉर्च्यूनर आ रही है। फोर्थ राउंड में भाई अपनी हैरियर होगी, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो भाई से पूछ लेते हैं। भाई अब हम तो फिफ्थ राउंड करने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भाई से पूछ लेते हैं कि फिफ्थ राउंड भी करेंगे या नहीं, अदरवाइज फिर भाई वीडियो पे ही एंड कर देंगे अपना। तो एक बार भाई से पूछ लेते हैं अगर करेंगे या नहीं। और अगर भाई आपको ना वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भाई अगर हमारे साथ ड्रैग रेस करना चाहते हैं तो भाई हमें ज्वाइन कर सकते हैं, भाई इंस्टा पे DM कर सकते हैं और या मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई कॉन्टैक्ट करके इंस्टा के थ्रू ही हमसे भाई इतनी दूर से आए हैं, भाई एक भाई बहादुरगढ़ रहते हैं हरियाणा, एक भाई दिल्ली रहते हैं, तो इतनी दूर से आए हैं भाई हमारे साथ ड्रैग रेस करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप